मध्य जिला की करोल बाग थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसका मुखिया झारखंड के जामतारा में साइबर ठगी की ट्रेनिंग लेकर वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इस संबंध में गैंग सगना सेक्टर 21 गुरुग्राम हरियाणा निवासी रवीश उर्फ अबीराम उम्र 24 साल, मोहम्मद आजू उर्फ साहिल उम्र 23 साल, सेक्टर 22 गुरुग्राम निवासी योगेश सिंह उम्र 27 साल और गांव धरनपुर फरूरखाबाद यूपी निवासी ऋतिक सिंह उम्र 19 साल को पकड़ा है। आरोपी कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर व दूसरे उपकरणों के नाम पर ऑनलाइन कोविड ठगी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से दिल्ली में हुई ठगी की 6 वारदातें सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इनके 16 बैंक खाते फ्रीज किए हैं जिसमें 2,46,000 रुपए मिले हैं। आरोपी एक सप्ताह में दिल्ली यूपी हरियाणा समेत अन्य जगहों से 20 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 बाइक, 1 स्कूटी व काफी संख्या में दस्तावेज बरामद किए हैं। संत नगर करोल बाग निवासी क्षितिज मेहरा ने अपने एक दोस्त के लिए ऑनलाइन सिलेंडर मंगाने के लिए आरोपियों से संपर्क किया था। आरोपी ने सोशल मीडिया से मिले नंबर पर खुद की पहचान ऋतिक सिंह बताई। आरोपी ने सिलेंडर के बदले 47,500 रुपए की मांग की। बताए गए खाते में पीड़ित ने रुपए ट्रांसफर कर दिए लेकिन उसे सिलेंडर नहीं मिला। इसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। छानबीन के बाद पुलिस ने 3 मई को मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मोबाइल नंबर और बैंक खाते के आधार पर पुलिस ने फरूरखाबाद यूपी से एक आरोपी ऋतिक को 7 मई को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इससे पूछताछ हुई। आरोपी ने गैंग के बाकी बदमाशों योगेश सिंह, मो आरजू और रवीश के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने गुरुग्राम में छापेमारी कर बाकी तीनों को 10 मई को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के सरगना रवीश ने बताया कि वो जामतारा से ठगी की ट्रेनिंग लेकर आया था। इसके बाद उसने कई बैंकों में अकाउंट खुलवाकर उसमें ठगी की रकम को ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया। गैंग में उसने बाकी तीनों को शामिल किया। कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर व बाकी दूसरे उपकरणों के नाम पर आसानी से ठगी जाने लगी। अपने गैंग के बाकी सदस्यों को रवीश हर महीने सैलरी देता था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।